रविवार को इटावा से भारी संख्या में सैकड़ों शिक्षक कर्मचारी अधिकारी लखनऊ इको गार्डन पहुंचने की सुरक्षित रणनीति तैयार की गई। ऑल टीचर एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन अटेवा इटावा के तत्वाधान में आज कंपनी गार्डन में अटेवा के पदाधिकारीगणों ने बैठक कर 21 नवंबर 2021 रविवार को इटावा में भारी संख्या में सैकड़ों शिक्षक कर्मचारी अधिकारी लखनऊ इको गार्डन पहुंचने की सुरक्षित रणनीति तैयार की। बैठक की अध्यक्षता मधु श्रीवास्तव जी ने की। लखनऊ चलने के लिए ज्यादातर साथियों ने अपनी सीट बस में अटेवा पदाधिकारियों से रिजर्व करवा ली। बुकिंग 18 तारीख को बंद कर दी जाएगी। इसके बाद कर्मचारी अपने निजी साधन से इको गार्डन पहुंच पाएंगे। जिला पर्यवेक्षक राजेश जादौन ने सभी शिक्षक कर्मचारियों अधिकारियों से 21 नवम्बर को लखनऊ ज्यादा से ज्यादा संख्या में चलने की अपील की। जिलाध्यक्ष अजय कुमार यादव ने बताया कि बेसिक शिक्षकों के अलावा माध्यमिक शिक्षक भी सैकड़ों की संख्या में लखनऊ पहुँच रहे हैं। अन्य विभागों जैसे फार्मासिस्ट एसोसिएशन, मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, लेखपाल, ग्राम विकास, ग्राम पंचायत अधिकारी संघ, सैफ आयुर्वेद संस्थान कर्मचारी संघ, नर्सेज एसोसिएशन, पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ आदि तमाम अन्य संगठनों के कर्मचारी साथी भी बड़ी संख्या में लखनऊ रैली में शंखनाद करेंगे। 21 नवम्बर को सभी बसें प्रातः 6 बजे शास्त्री चौराहा इटावा से लखनऊ के लिए रवाना होंगी। बैठक में विनोद राजपूत, अजय पटेल, वीरेंद्र यादव, मोहम्मद काशिफ, राजेश यादव आदि लोग मौजूद रहे। जिला संवाददाता इटावा से पवन सिंह की रिपोर्ट।